सर, हम सब मुख्य वाले से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आत्मा को शांति। अभी तक रात को हमने कर्फ्यू लगा दिया 6 बजे से लेकर सुबह 10 से 6 बजे तक। डिस्ट्रिक्ट की एंट्री जो है वो लग किए हैं, कोर सेंटर्स यहाँ एक्टिवेट किए हैं, सैनिटाइजर अटेंडेंट शॉप में मार्केट में एक दुकान खुलेगी, दूसरी मार्केट वाली दुकान रहेगी और उस तरीके से 50% दुकानें खुलेंगी और 50% चालू खुलेंगी। तो आई सी हमने सलाह दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं सर, वो एवरेज हमने टारगेट रखा है 3,000 का टेस्ट और 5,000 की वेंटिलेशन, 5,000 भी करवाएँ और उसके बाद जो है ये वाला साथ में दूसरा भेज दिया जाए। तो ये कोविड मैनेजमेंट के लिए सब डिस्ट्रिक्ट की जो है तैयारी है। नेक्स्ट, एम्बुलेंसेज जो है हमारे हैं, ये ब्लॉक वाइज 25 एम्बुलेंसेज हैं, 108 और 102। इसके अंदर मैंने दो बार रिव्यू 193 और मेल्स का मीन्स का स्कॉलरशिप जो है जिले के अंदर दिया गया है। इस बार जो है ब्रेक बिना ना रहे, इसके लिए सर चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हैं और ये जो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है, इसमें सर 1 करोड़ का जो फंड्स थे हमारे पास, हमने यूटिलाइज किए हैं को, ताकि ये जो रजौरी जिला है हमारा, ये एक विकासशील जिला की ओर आगे बढ़े। लेकिन मैं रजौरी वासियों को बताना चाहता हूं कि देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के प्रयास हैं रजौरी के, ये जो हमारा जल जीवन मिशन के नाते जल शक्ति मंत्रालय ने राजौरी जिला को थर्ड फेस में रखा था। यहाँ पर ये जो जल जीवन मिशन के माध्यम से ये काम शुरू होने थे, लेकिन इनके प्रयासों से सरकार ने इनके वो सिफारिश मान ली है। अब सेकंड फेस में राजौरी में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ पर जो पानी के प्रोजेक्ट हैं वो चलेंगे, हर घर नल और नल में स्वच्छ जल, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो जल्द जो है वो कारगर सिद्ध होगी। यही है सबका साथ और सबका विकास। सर, 2014 में जब पहली बार आप MP बने और PM साहब राजौरी में भी आए, उस वक्त एक राजौरी पहुंच के लोगों से एक वादा किया गया था कि अगर गवर्नमेंट भाजपा की बनती है तो राजौरी पहुंच को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। आज सेकंड टर्म में है, मगर इस तरह का कोई ख्वाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहले तो डिमांड थी राजौरी की कि भाई हमें जहां पर मेडिकल कॉलेज मिले, फिर दूसरी डिमांड थी राजौरी पुंछ के लोगों की कि हमें नेशनल हाईवे मिले, फिर राजौरी और पुंछ के लोगों की डिमांड थी कि हमें बंकर्स मिले, फिर इनकी ये डिमांड थी कि हमें ब्रिजेस मिले, फिर इनकी ये डिमांड थी कि भाई CRF के माध्यम से बड़े बड़े रोड जो है वो मिले। ये सब कुछ मिला और उसमें हम सफल हुए हैं, इसकी भी चर्चा आप जरूर करें। और इसके साथ साथ ही जो आप कह रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट की बात, वो भी हमने बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट जो है उसकी DPR बन गई है, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी पैसा जो देश का है वो इस महामारी को दूर करने के लिए लगा है, इसलिए समय लगेगा, लेकिन हम आपको जो विश्वास दिलाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो भी होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं पहले हम उनको भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद नए प्रोजेक्ट जो हैं वो उठाएंगे। सर, DC और BDC मेंबर की तरफ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी इशू उठाए गए हैं, कोविड को देखते हुए आप उसको स्ट्रेंथन करने के किस तरीके से जो है वो किया? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पहले ही प्रयास हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जितनी भी बातें यहाँ पर आई हैं वो सब नोट की गई हैं, इसके मिनट्स तैयार हो रहे हैं और जो जो कमियाँ कहीं भी हैं उन सब कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज जो है वो जल्द से जल्द प्रारंभ हो और सारी कमियाँ जो है उसी में दूर हो जाएंगी, उसके लिए भी हमारा प्रयास। ऑक्सीजन प्लांट है जो मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 साल से स्टार्ट किया, वो अभी तक फंक्शन नहीं हुआ कोविड को देखते हुए, वो अभी तक उसको चालू नहीं किया जा रहा है, तो किस किस्म के? बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही बात है आपकी, आपकी चिंता भी सब के लोगों की चिंता है। आपके माध्यम से ये बात चर्चा में आई थी, जहाँ पर BDC और DDC और डिप्टी जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं इन इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन विडंबना की बात है कि टेंडर इसका पहले हो रखा था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो ठेकेदार साहब जो हैं वो धोखा दे गए, उन्होंने हमारा 1 साल जो है वो बर्बाद कर दिया। इसका नया टेंडर लगा है, नए ठेकेदार साहब आए हैं, जल्द इसका काम शुरू होगा और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो जल्द से जल्द राजौरी में उसकी सप्लाई जो शुरू है और वो उसका लाभ जो है वो मेडिकल कॉलेज और दूसरे जो हमारे रहते हैं मरीज और दुखी लोग उनको मिले, इसके लिए प्रयास जो है वो जारी है। सर, अगर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें
तो मेल मल्टीपर्पज़ की जो है आज तक पोस्टें नहीं निकलती, बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग की हुई है, फीमेल की पोस्टें निकलती हैं, वो बच्चे बेरोजगार हैं। ऐसा है, देखिए आज तो डेवलपमेंट को लेकर सारी चर्चा हुई है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये भी बात सही है, इस पर भी हम संज्ञान लेंगे और आगे बात करेंगे ताकि बेइंसाफी जो है किसी के साथ ना। धन्यवाद सर। अगर दिशा कमेटी की बात करें, इसके मेंबर होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? भाई क्राइटेरिया कोई नहीं होता है, इसका BDC मेंबर होता है, इसका DDC मेंबर होता है, इसका वाइस चेयरमैन मेंबर होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को समाज में एक स्थान मिला होता है, वो समाज सेवा करते हैं और फिर समाज की चिंता करते हुए उन मसलों को हल करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको हम चिन्हित करके दिशा मीटिंग में कमेटी के मेम्बर बनाते हैं। धन्यवाद।